मुंबई से हैं शबाना कुरैशी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हम सर से कौन बात कर रहे हैं? जी जी शबाना बताइए। सर, मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी नहीं है सर। और मुझे ना पेट में पहले में गांठें हो गई थी, तो बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। वो ऑपरेशन कराए उसका, लेकिन डॉक्टर बोले फिर से आ सकते हो, ठीक तो उसका कोई ट्रीटमेंट है जो फिर से नहीं आना। ठीक है, ठीक और एक सवाल है सर, जी। सर गोन्थिया मनाया है मम्मी के घुटने में और कमर में बहुत तकलीफ है, तो उससे हो जाएगा? पर घुटने में उनके गिरने की वजह से तकलीफ है उनकी 50 साल। हाँ, शुरू कर दिया आपने? नहीं, हाँ कल से ही शुरू किया है सर। कल से शुरू किया। अगर 5-7 दिन, हाँ 10 दिन आप देंगे तो फ़ायदा हाँ शुरू हो जाएगा, नज़र आना, और ये ख़त्म होते होते आपकी वालदा को फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, मैं एक इलाज बता रहा हूँ आपको, आपके लिए, कि नमक जैतून का आपने सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ। नमक जैतून 2 चुटकी में जितना आए इतना पानी में मिलाइए, और 2 चुटकी खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ये भी पानी मिला दीजिए, और ये दिन में एक बार कम से कम या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार पी लिया करिए, उन गांठों को होने से रोकने के लिए। ये जो चर्बी की गांठें होती हैं, ये डिपॉजिट्स होते हैं, यानी जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो वो कहीं नहीं तो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, मतलब ज़खीरा हो जाता है वो चर्बी का, वो गांठों की सूरत में अक्सर पेट में हेल्दी लोगों के नज़र आती हैं। तो ये अगर आप ले लिया करेंगे तो ये ज़खीरा नहीं होने देगा, इस चर्बी को काट के जिस्म से बाहर करता रहता है। जी।